मथुरापुर पहुंचने में आपको चार स्टेशन पार करने पड़ेंगे, चार पड़ाव पार करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप सफलतापुर में पहुंच सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रभु मौर्य आपका दोस्त। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आप है और यहाँ पर आप खड़े हैं, आपको काफी दूर जाना है, एक ऐसे रास्ते पे एक ऐसी मंजिल पर आपको जाना है जहां जाने में कई सारी कठिनाइयां आ सकती है। जैसे आपको जब यहाँ पर आप चलना शुरू करेंगे, इस तरह से आप जब चलना शुरू करेंगे, थोड़ी ही दूर चलेंगे, कोई भी काम को शुरू करें और काम करने के बाद में जब आप चलना शुरू करते हैं तो कई सारी समस्याएं आती है। ये हर काम में आती है, किसी एक में सभी काम में आती है। जैसे यहाँ पे आप चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पर आएगी सलाहपुर। क्या आएगी? सलाहपुर। यहाँ पर आपको सलाहपुर आएगा। जब कोई भी काम करना शुरू करेंगे तो आपको सलाह देने वाले एक नहीं अनेक खड़े हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं राय चंद। और राय वही देते हैं जिनको खुद उसके बारे में पता नहीं, इस रूट के बारे में पता नहीं। आप सोच करके बताइए, ये जो रूट है, इस रूट पर जो आदमी कभी ना गया हो, कभी ना चला हो, क्या वो आपको इस रूट की जानकारी दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। इसलिए आप उस आदमी से कभी ना पूछे जिसके पास इस रूट की जानकारी ना हो, नहीं तो आपको गलत दिशा दिखा देगा और आप गलत दिशा दिखाने के बाद आप दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे, आप हमेशा यहाँ खंडहर में चले जाएंगे, आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो गलत तरीके से आप गलत आदमी से पूछेंगे तो गलत रूट पर चले जाएंगे। इधर अपने को नहीं जाना, सीधा अपने को जाना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे सलाहपुर आता है। सलाह अगर आप किसी से लेना तो समझदार व्यक्ति से लेना, जो व्यक्ति जिस काम में माहिर है उसी की जानकारी वो दे सकता है। जिसके पास जो चीज की जानकारी नहीं है वो आपको कभी नहीं दे सकता, इसलिए सलाह बहुत सोच समझ कर लेना। कहा जाता राय और चाय, चाय और राय, ये दोनों जहां भी जाओ फ्री में मिलती है और ये दोनों आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। राय और चाय दोनों से बच के रहना बढ़िया रहेगा। सलाहपुर, सलाहपुर से जैसे थोड़ा सा आप निकलेंगे आगे तो एक और आपका स्टेशन, ये तो सलाहपुर स्टेशन आ गया, एक स्टेशन आपका और आएगा जिसको हम बोलते हैं डाउटपुर आएगा। सलाहपुर तो सलाह गलत ले लिया, लेकिन जैसे करना शुरू करेंगे तो डाउटपुर आएगा। डाउटपुर यहां मैं लिख देता हूं, डाउटपुर, ये डाउटपुर है। जैसे आप काम को करना शुरू करेंगे, जब कोई भी नए काम को किया जाता है तो तुरंत रिजल्ट नहीं आता, उसमें टाइम लगता है। काम करते जाएंगे रिजल्ट, यानी काम करेंगे 90% रिजल्ट आएगा 10%। शुरुआती टाइम में ऐसा ही होता है, हर काम में ऐसा होता है। कोई ऐसा काम नहीं जो आपने शुरू किया तुरंत स्पीड पकड़ ले, ऐसा कोई काम नहीं है। जब आप शुरुआत करेंगे 90% टाइम देंगे, 10% रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको डाउट आएगा नहीं, आप एक ऐसे शहर में पहुंच जाएंगे जिसको हम बोलते हैं डाउटपुर। ये हो गया सलाहपुर, ये हो गया डाउटपुर। डाउट होगा, शक होगा, आपको संकोच लगेगा और इसी में दो चार लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि मैंने आपको बोला था ये काम ठीक नहीं है, खराब है, मत करो, ऐसे वैसे ऐसे सलाह देने वाले लोग आपको 36 लोग मिल जाएंगे। और ये वही लोग होंगे जिनको खुद इस रूट के बारे में कुछ पता नहीं है। क्लियर? इसके बाद जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, थोड़ा डाउट क्लियर होगा, अपलाइन आएगा, आपका सीनियर आपको बताएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, थोड़ी सी और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आएगा होशियारपुर। क्या आएगा? एक और स्टेशन आएगा जिसको बोलते हैं होशियारपुर। होशियारपुर, ये होशियारपुर आएगा। यानी जब आप कोई भी काम को शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं, डाउट खत्म होता, शक संभव शक खत्म हो जाती है, तो आप आगे चलने के बाद जब आपका काम थोड़ा सा चलने लग जाता है, थोड़ा सा आपका प्रॉफिट होने लग जाता है, फायदा होने लग जाता है, तो वहां पर थोड़ी सी ईगो आती है और उसको बोलते हैं होशियारपुर। यानी अपने आप को आप होशियार समझने लग जाते हैं, समझदार समझने लग जाते हैं, अपने आप को नॉलेजेबल समझने लग जाते हैं, अपने आप को मास्टर समझने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं होशियारपुर। ये भी एक स्टेशन आता है। ये तीन स्टेशन मैंने बताए, तीनों में से कहीं भी आपकी गाड़ी रुक सकती है अगर ये चीज आपके ऊपर हावी हो गया। सलाहकार अगर हावी ज्यादा हो गए तो आप रुक सकते हैं, काम नहीं होगा। अगर आप आगे चले, डाउट आ गया, शक आ गया कि काम ज्यादा हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, डाउट आ गया, तो आप यहाँ फेल हो सकते हैं। चलो अगर यहाँ पर किसी तरह आपके अप्लाई ने आपको समझाया बुझाया आगे बढ़ाया, आप होशियारपुर में अगर अपने आपको होशियार समझने लग गए, वहां पर अगर आपने अप्लाई से सलाह नहीं ली तो वहां भी आपका काम खराब हो सकता है। उसके और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे जैसे बढ़ेंगे तो इस स्टेशन के बाद दूसरा स्टेशन आता है आलस्यपुर। क्या आता है? आलस्यपुर, एक आलस्यपुर आता है, एक स्टेशन यहां पर और आता है जिसको बोलते हैं आलस्यपुर। मतलब इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों, आलस्यपुर का, जब आपका काम होने लग जाता है, प्रॉफिट होने लग जाती है, यानी आप होशियारपुर से भी थोड़ा आगे निकल जाते हैं, वो होशियारपुर नहीं, पंजाब में होशियारपुर है, वो नहीं, होशियारपुर से थोड़ा और आगे निकल जाते हैं तो आपका काम होने लग जाता है। फिर वहां पर आप काम करेंगे, 20% रिजल्ट आएगा, 80% अगर वहां तक पहुंच गए तब, ठीक है, ये चौथा स्टेशन तक पहुंच गए तो
आप काम थोड़ा भी करते हैं रिजल्ट बढ़िया आता है। यहाँ पर आता है आलस्यपुर, आलस मतलब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आपको लगता है मैं तो थोड़ा भी काम करता हूँ तो बढ़िया रिजल्ट आ जाता है, तो ज्यादा मेहनत करने से क्या जरूरत है, ज्यादा काम करने से क्या जरूरत है, मैं थोड़ा ही काम करूंगा और बढ़िया पैसा मैं कमा सकता हूँ, ऐसा आप सोचने लग जाते हैं। और ऐसा सोचने की वजह से आपका फिर से ये जो घड़ी है ये वापस उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ आलस्यपुर भी आपको आएगा, यानी आप कंफर्ट जोन में भी चले जाएंगे, क्योंकि जब इंसान के पास में पैसा आता है तो पैसे के साथ साथ में बहुत सारी चीजें आती है, पैसे के साथ में अहंकार भी आता है, घमंड भी आता है, ईगो भी आता है, मोहनी भी आती है, रोनी भी आती है, चांदनी भी आती है, सब आती है, मतलब कि हर तरह की बालाएं आपको घेरने लग जाएगी, क्योंकि वहां आप निखरने लग जाते हैं और निखरने के साथ में कई लोग बिखर जाते हैं। आपको बिखरना नहीं, अपने आप को संयम रखना, अपने आप को बचा के रखना है, सभी बलाओं से बचा के रखना, ईगो नहीं आने देना है, घमंड नहीं आने देना है, अहंकार नहीं आने देना है, और उस समय काम और तेजी से करना और मदद करनी, लोगों से और मिलजुल कर आना शुरू कर दीजिए। तब उसके बाद आता है लास्ट में जो एक और स्टेशन आता है जिसको बोलते हैं सफलता पुर। क्या बोलते हैं? सफलता पुर। ये सफलता पुर आता है, आप लास्ट में जाकर के सफलतापुर पहुंचते हैं, यानी आप सफल होते हैं अगर इस तरीके से काम करते गए तो शुरुआत में आपका सलाह गलत लगा मिला तो आपका रूट गलत हो जाएगा, अगर आपने सलाह सही आदमी से लिया तो आगे बढ़ोगे, काम थोड़ा ज्यादा करोगे रिजल्ट कम आएगा तो डाउट होगा, डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट बोर्ड में रुकना नहीं, सलाह लेना, अप्लाई से डिस्कस करना, विचार करना, थोड़ी और आगे बढ़ना। अच्छा, जब आपका टीम थोड़ा चलने लग जाएगा, काम होने लग जाएगा, तो आपको थोड़ा सा डाउट वो आएगा, अहंकार आएगा, ईगो आएगा, जिसको बोलते हैं होशियारपुर, अपने आप को बड़ा समझदार समझने लग जाओगे, यहाँ भी थोड़ा सा संयम रखना, बचा के रखना अपने आप को, अप्लाइंस से मिलकर काम करना, थोड़ी और आगे चलना, काम थोड़ा तेज चलने लग जाएगा, प्रॉफिट होने लग जाएगी, तो आप पहुंच जाएंगे आलस्यपुर में कि चलो जी मेरी दुकान है, मैं 10 बजे खोलूंगा, 11 बजे वक्त दुकान चलती, मेरे ग्राहक तो सेट हो गए, मेरे ग्राहक तो काम कर रहे हैं, मेरी टीम बड़ी हो गई है, टीम तो काम कर रही है, आलस्यपुर आ जाएगा। तो वहां पर अपने आप को बचा के रखना, अगर वहां भी बचा लेंगे तो आप सफलतापुर में पहुंच सकते हैं, और सफलतापुर पहुंचने में आपको 4 स्टेशन पार करने पड़ेंगे, 4 पड़ाव पार करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप सफलतापुर में पहुंच सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, सफलतापुर का मतलब होता है रूबी बनना, रूबी अचीवर जब बन जाते हैं, स्टार रूबी बन जाते हैं, कोर लीडर बन जाते हैं कंपनी के, तब वहां पर आपको माना जाता है कि सफलतापुर में आप पहुंच चुके हैं। अगर दुकान की बात करें तो दुकान आपकी बहुत तेज चलनी चाहिए, बहुत अच्छा लोगों से व्यवहार रखिए, विचार रखिए, बोलबासा अच्छा रखिए, तब जाकर के आपका काम अच्छे से आगे चल सकता है, हो सकता है। ईगो घमंड नहीं लाना, पैसों के साथ बहुत सारी चीजें आपके पास आएगी, ध्यान रखना, उन खराब चीजों को हटा देना, सही चीजों को एक्सेप्ट कर लेना और आगे बढ़ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आपके पास में आऊंगा, तब तक आप चैनल पर बने रहे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपसे साझा कर पाऊंगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ऑल पर कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उनको भी पता चले कि इस तरह से आपके इस रूट में ये सभी स्टेशन आएंगे, और इस स्टेशनों पर रुकना नहीं है, जब स्टेशन पर कोई दिक्कत आए तो आप अपने अपलाइन धोती में अपलाइन से, आप एक्टिव अपलाइन से जरूर डिस्कस करें, काउंसलिंग करें, पर्सनल काउंसलिंग जरूर करें, ताकि अपलाइन आपको फिर रास्ता दिखाएगा आगे का और आप आगे निकल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखिएगा, जय आरसीएम, जय हिंद।